अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सब खुश सलामती वाली खैर वफियत और बरकतों से भरी, खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी नवाजे, आमीन। ले जी, आज मैं आपके साथ टमाटर वाला चिकन उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। उसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह हैं। ये मेरे पास जी 750 ग्राम ये 1 kg में थोड़ा सारा कम है। ये मेरे पास चिकन है, ये वॉश करके भी रख दी है। उसके बाद जी इसमें 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट है, 1 चम्मच अदरक की पेस्ट है और 1 चम्मच जो उनसे ना सब्ज़ मिर्चें क्रश की हुई वो है। और ड्राई मसाले में आधा तेज़पात का पत्ता है, 2 छोटी इलायची हैं, 2 लौंग है, थोड़ा सारा जो उनसा ना ये बादियान का छोटा सा फूल है और आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। ये बस इतने को ड्राई मसाले इसमें ऐड करूँगी। आधी चम्मच नमक है, आधी 1/4 हल्दी है और आधी चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स है, 1 चम्मच क्रश किया हुआ सूखा धनिया, आधी चम्मच क्रश किया हुआ सफ़ेद ज़ीरा, माइनर सी ना 1/4 जायफल और जावित्री का पाउडर है और आधी ही चम्मच ब्लैक पेपर है ये क्रश किया हुआ। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनकी मैंने ऊपर से उसका बीच ने उसका छिलका उतार के तो उसको मैंने रफली कटिंग कर ली है। 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे और 1 जॉनसन बेल पेपर था मेरे पास, शिमला मिर्च उसके बीच निकाल के उसकी भी मैंने लंबाई में कटिंग कर ली है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी अगर आपने डालना है तो। और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का था, उसकी मैंने लंबाई में कटिंग कर ली है। 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनकी मैं लंबाई में कटिंग, ये गार्निश भी डालूंगी। और ये 1 प्याली मेरे पास जो उनसे है ना घर की दूध की बलाई है, ये भी इसमें ऐड करूंगी। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप ये भी ज़रूर डालिए अगर आपके पास हो तो, ना हो तो आप स्किप कर देंगे, आपकी अपनी मर्जी। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और अब अपना जो उनसे ना ये चिकन का 1/2 कप इसमें मैंने ऑयल जो उनसे है वो इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड करते हैं। इसमें प्याज नहीं ऐड करते, इसमें टमाटर ज्यादा डालते हैं और अदरक लहसुन की पेस्ट जो उनसे है ना वो मैंने भर के चम्मच जो उनसे फ्रेश वो मैंने क्रश करके तो वो इसमें ऐड कर दी। ये टमाटरों वाली चिकन कढ़ाई बहुत ही अच्छी और बड़ी ही मज़े की यमी बनती है। अब इसमें जी मैं ऐड कर दूंगी लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट नहीं अभी ऐड करूंगी, नहीं तो वो नीचे सारा लग जाएगा। लहसुन की पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के लिए इजी अच्छी और यमी रेसिपियाँ लेके आऊँ। अगर आपको रेसिपी बनाने वक्त कोई भी आपको मुश्किल पेश आए या आपने अगर कोई चीज़ भी पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके तो आप जो उनसे है ना अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो खाने बनाने वक्त तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं और मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको अगर कहीं से भी मिस्टेक हो तो मैं आपको गाइड करके तो आपको बता दूँगी। आप खाना बनाया करें जिस तरह मैं बनाती हूँ, वो डिशेज ज़रूर बनाया करें और मुझे उसका फीडबैक दिया करें, बताया करें कि आपका खाना आपने जब बनाया मेरी डिश तो आपको कैसी आपके घर वालों को पसंद आई। और अगर आपने कुछ और अपनी फरमाइश करनी हो तो आप मुझे वो भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जी मैं लहसुन को इसमें हल्का सा बस इसका कलर चेंज होता है फिर इसमें चिकन ऐड करूँगी और साथ ही इसमें अदरक ऐड कर दूँगी। अभी मैंने अदरक नहीं ऐड किया क्योंकि अदरक वो जल्दी जल जाता है, इसमें प्याज नहीं डालते, दूसरी कढ़ाई में डालते हैं, लेकिन ये टमाटरों वाली चिकन कढ़ाई है तो इसलिए इसमें टमाटर ज़्यादा ऐड करते हैं। छिलका उतार के अगर आप डालेंगे ना तो टमाटर आपके जल्दी इसमें टेंडर हो जाएंगे। साथ ही ये जी अदरक की पेस्ट ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। इस
इसको अच्छी तरह जी अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए और इसका फ्लेवर जो है ना चिकन में चला जाए। आसानी ऐड कर दिए और साथ ये ड्राई मसाले जो उनसे है ना नमक हल्दी रेड मिर्च क्रश किया सूखा धनिया सफेद जीरा थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर और आधी चम्मच काली मिर्च ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी और माइनर सा इसमें पानी डाल दूँगी इसी बर्तन में डालूँगी इसमें अलग सबक मिर्चें रखी हुई थी इसमें अल्लाह का रिजल्ट है ये कोई ज़ाया नहीं करना आप कोशिश किया करें कि अपना खाना जो उनसे ना अगर आप खा भी खाना ज़ाया ना किया करें अगर आपके पास खाना वेस्ट हो तो कोशिश किया करें आप अपने घर की छत पे या बाहर लॉन में परिंदों को डाल दिया करें वो भी सदका जारी है इससे भी जो है ना आपके खाने में और आपके रिजक में ज़िंदगी में बरकत होती है क्योंकि जब परिंदे आपके घर से खाना खा के जाते हैं तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस घर का रिजक कभी खत्म ना हो। ये जी टमाटर ऐड कर दूंगी ताकि टमाटरों का फ्लेवर सारा इसमें चला जाए। क्या चार टमाटर है मैंने छिलका उतारा हुआ इसके ऊपर से कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है अदरक लहसुन इसमें आप थोड़ा ज्यादा ही डाला करें अगर आपने क्वांटिटी ज्यादा करनी है तो आपने उस हिसाब से इसके जो उनसे टमाटर और अदरक लहसुन पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें वो आप ना उसका हिसाब से इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड ज़्यादा कर लें। मेरे पास 1 kg से थोड़ा सा कम था इस वजह से मैंने इस हिसाब से 4 टमाटर डाले हैं अगर आपके पास ज़्यादा आपने बनाना हो तो आप क्वांटिटी इसकी ज़्यादा कर लें। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है अब इसको कवर कर दूंगी 5-7 मिनट ये जी मैंने 5-7 मिनट के लिए इसको पानी डाल के आधा ग्लास तो मैंने इसको रखा हुआ था दरमियानी फ्लेम पे अब इसका पानी भी ड्राई हो रहा है और हमारा चिकन भी जो है काफ़ी हद तक जो है ना ये टेंडर हो गया है अब थोड़ा सा इसका पानी और ड्राई करूँगी और फिर बाद में इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। अब देखिए इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है टमाटर सारे इसके अंदर जो है ना तो सारे इसके अंदर सॉफ्ट हो गए हैं ग्रेवी की शक्ल तैयार करेंगे। अब ये थोड़ी सी जो उनसी बलाई है ये इसमें ऐड चिकन में जो उनसी कसर है वो भी ज़रा सेट हो जाए बाद में फिर इसमें बलाई भी ऐड करूँगी शिमला मिर्च ऐड करूँगी अभी मैं इसको इसी पानी में ही गलाऊँगी। ये ऑयल ऑयल देखिए जी सारा इसका साइडों पे आ गया तो मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया चिकन भी हमारा टेंडर हो गया अब इसमें ऐड कर दूँगी ये बलाई घर के दूध की बलाई है ये इसमें ज़रूर ऐड करें बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है ये ऑप्शनल है अगर आपने डालना है तो डाल दें अगर डालेंगे तो इसका टेस्ट जो उनसा ना बड़ा अच्छा हो जाएगा यमी टेस्ट हो जाएगा इसका और ग्रेवी आपकी बहुत अच्छी और स्मूथ सी बन जाएगी। फ्लेम मैंने दरमियानी की हुई है ज़्यादा फुल नहीं की हुई इधर ये देखिए जी मैं साबूदाना बना रही हूँ अपने पोते के लिए ये साबूदाना बना रही हूँ वो कुछ दूध वगैरह नहीं पीता फीडर नहीं लेता तो इस वजह से उसके लिए ना मैं इस टाइम जब खाना बनाती हूँ तो उसके लिए कोई ना कोई स्वीट डिश जरूर बना देती हूँ कभी कस्टर्ड कभी साबूदाना कभी नॉर्मल पतला सा हलवा बना लेती हूँ वो बहुत ही शौक़ से खाता है ये मैं उसके लिए बना रही हूँ ये बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है उनकी ग्रोथिंग के लिए बड़ों के लिए भी जो बूढ़े हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखें जी हमारा इसका इतना अच्छा इसमें से खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा यमी इसका ना टेस्ट बना है। अब इसमें मैं थोड़ी सी ये डाल दूँगी जी जिंजर थोड़ा सा जिंजर इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी ये चटनी है और इसको बस 5 मिनट के लिए इस के ना चिकन के साथ इसका फ्लेवर ज़रा बेटर हो जाए और बाकी जो उनसे हमारा चिकन जो उनसे ना वो टेंडर हो गया मैं चिकन भी आपको दिखाती हूँ जी चिकन जी हमारा टेंडर हो गया तो इस वजह से फिर इसमें पानी जो उनसे है ये देखिए पानी मैंने 1 गिलास लिया था इतना पानी हमारा यूज हुआ है बाकी इतना पानी बकाया बच गया बाकी टमाटरों के अंदर ही हमारा चिकन जो उनसे ना वो टेंडर हो गया। अब मैं इसको दम वाली फ्लेम पे कर दूंगी ताकि इसका ऑयल जो उनसे है ना वो ब्लाई डालने से वो ख़त्म हो गया तो अब हल्की फ्लेम करूंगी दम वाली तो फिर ऑयल ऊपर आ जाएगा फिर इसको मैं जी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको 5-10 मिनट के लिए दम लगा के ये जी 5-7 मिनट के लिए जी मैंने इसको दम वाली फ्लेम पे रखा हुआ था इसका ऑयल भी ऊपर आ गया अब इसको डिश आउट करते हैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए जी कितनी अच्छी और यमी जो सा ना ये हमारा टमाटरों वाला चिकन बना है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। खुश रहें, सलामत रहें और अपनों के साथ खुशियाँ बांटते रहें। और अब मुझे जो उनसे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। जो नए आने वाले हैं वो भी जी सब्सक्राइब कर और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। और जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ वो आपके लिए, और मुझे कमेंट बैक में बताया करें। रेसिपी से ज़रूर बनाएं घर वालों के साथ। और अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे अच्छे खाने बनाने और खाने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क में, ज़िंदगियों में बरकत डाले, आमीन। और आप मुझे ज़रूर जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। जो नए आने वाले हैं वो जी सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, मेहरबानी होगी। चलते हैं जी, आपको मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।